जिला मंडी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिहरी में विद्यालय प्रबंधन समिति की एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 12 स्कूलों की एसएमसी प्रधान और सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बीआरसी प्रवीण ठाकुर, आरपीएस राजेश नड्डा ने एसएमसी सदस्यों व अध्यक्षों को नई शिक्षा नीति 2020 तथा नशा निवारण व निगरानी प्री प्राइमरी शिक्षा आदि अनेक विषय के बारे में जानकारी दी। आप थोड़ा प्रकाश डालें। आज हमारे सदरपुर ब्लॉक में जितने भी हमारे नव गठित जो एसएमसी हैं, उनके सभी प्रधान और उनके सभी सदस्यों को हमने यहाँ जीएसएस टीवी में बुलाया था, जिसमें हमारे जो क्लस्टर हैं उसमें आपका एक टीरी क्लस्टर जो प्राइमरी का था और दूसरा लक्साड़ क्लस्टर था, और उसके साथ साथ हमारे जो सेकेंडरी स्कूल थे उसमें हमारा जीएसएस टीवी और जीएसएस बाकी और जीएमएस सोलंग वगैरह, इनके सभी के एसएमसी प्रधान और एवं सदस्य यहाँ पर आए। और ये जो ट्रेनिंग है ये हर वर्ष दी जाती थी, लेकिन ये एसएमसी के प्रधानों को ही दी जाती थी, इसमें सदस्यों को नहीं दी जाती थी। तो इस बार जोन लेवल ट्रेनिंग हमने रखी, जहाँ पर सभी सदस्यों को यहाँ बुलाया गया ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी इंटरवेंशन चल रही हैं उनके बारे में अवगत कराया जा सके। इसमें जो मेन जो फोकस था वो हमारा जो भी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके ऊपर था, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आने वाले समय में हमारे डिपार्टमेंट में आने वाले हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया। उसके साथ साथ हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके बारे में बताया गया, हर घर पाठशाला के बारे में बताया गया, और जो भी हमारे जो अन्य जो कार्यक्रम है जैसे अकाउंट्स से रिलेटेड है या फिर स्कूल में एसएमसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएमसी उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रकाश जो है हमारे आरपीज ने डाला, और हमारे आरपीज डिस्ट्रिक्ट लेवल से मतलब ट्रेन थे और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर हमारी जो ये ट्रेनिंग थी इसको निभाया। जय हिंद, जय भारत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कटौला से हरीश ठाकुर की रिपोर्ट।